दोस्तों, दिल्ली सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य में कई तरह की योजनाएं चला रखी हैं। वहीं जो नागरिक आर्थिक रूप से कमजोर हैं और तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए असमर्थ हैं, उनके लिए सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ योजना शुरू की है। इसके जरिए वो फ्री में तीर्थ यात्रा कर पाएंगे। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज हम आपको इस खबर में वो सारी जानकारी आपको बताएंगे। दोस्तों, इस यात्रा में आपको वातानुकूलित ट्रेन में सफर करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही आवास, भोजन, बोर्डिंग, ठहरने और अन्य व्यवस्थाएं इस योजना के तहत उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा यात्रा पर जा रहे बुजुर्ग के साथ 21 साल से ज्यादा की उम्र का एक अटेंडेंट साथ होना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के पात्रता। दोस्तों, यात्रा का लाभ सिर्फ दिल्ली के स्थायी निवासियों को ही मिलेगा। योजना के तहत आवेदक की उम्र 60 साल या उससे अधिक हो। बता दें कि हर वरिष्ठ नागरिक के 18 साल या उससे अधिक उम्र का एक सहायक तीर्थ यात्रा पर जा सकता है। इस योजना का लाभ सरकारी अधिकारी और एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक सीनियर सिटीजन अपने जीवन में एक ही बार तीर्थ यात्रा योजना का लाभ ले सकता है। बता दें कि यात्रा पर जाने वाले बुजुर्ग नागरिक की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के लिए जरूरी दस्तावेज। दोस्तों, इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास यानी आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए, पहचान पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। ऐसे करें मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए आवेदन। दोस्तों, इसके लिए आप सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फिर आप ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली में रजिस्ट्रेशन अनुभाग में न्यू उपयोगकर्ता पर क्लिक करें। वहां आप आधार कार्ड या वोटर कार्ड चुनें और दस्तावेज में दर्ज कर दें। अब कैप्चा कोड दर्ज करें और चैट बॉक्स पर टिक करें। फिर आप फॉर्म में पूछी गई सारी जानकारी भर दें और सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें। अब साइट पर लॉगिन करें और मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के लिए आवेदन कर दें। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने दादा दादी या नाना नानी या किसी और के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप इस तरह रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।